everyone, welcome to Botany Insider. So in this lecture we'll be discussing about that what linkages, and also we'll be understanding about the 2-point and the 3-point cross. It is one of the most important topic from the genetics unit. Every year 1 to 2 questions can be expected from this particular area in either the part B or part C. So try to understand this topic in the simplest manner. So first of all, let us understand about that what linkage is all about. So agar hum लिंकेज को डिफाइन करेंगे, सो लिंकेज इज द क्लोज एसोसिएशन ऑफ द जीन्स और द अदर डीएनए सीक्वेंसेस ऑन द सेम क्रोमोसोम्स. अगर हम इसको सिंप्लीफाइड मैनर में बोलें तो लिंकेज का सिंपल मतलब होता है दो जीन्स का एक डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर क्लोज एसोसिएशन होना. दिस इज व्हाट इज लिंकेज ऑल अबाउट. द क्लोजर द टू जीन्स आर टू ईच अदर ऑन देयर क्रोमोसोम्स, द ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी इनहेरिटेड टुगेदर. दैट इज, अगर ये हमारा एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स जो हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो इन जीन्स की साथ में इनहेरिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी. व्हाट डज दिस मीन? दैट इज, कंसिडर वी हैव द फर्स्ट पेरेंट एंड वी हैव द सेकेंड पेरेंट. दिस इज द फर्स्ट पेरेंट एंड दिस इज द सेकेंड पेरेंट. सो व्हेन द पेरेंट वन crosses with the parent 2. So now we have this chromosome on the parent 1, और इस parent 1 के इस chromosome पे ये दो genes first case में located है. So that is, this is the area where these genes are located for the different 2 characters. Now these 2 parents cross together, they interbreed together, and we have the formation of the F1 generation. So इस F1 generation के अंदर इन दोनों पेरेंट्स में से इस क्रोमोसोम के इन दोनों जीन्स की प्रोबेबिलिटी का साथ में आना ज़्यादा प्रोबेबल होता है बिकॉज ऑफ लेस डिस्टेंस बिटवीन देम. दैट इज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, इसीलिए ये दोनों साथ में लिंक्ड हैं. अगर इन सेकेंड केस कंसिडर वी हैव दिस सेम द पेरेंट 1 एंड द पेरेंट 2, नाउ दिस पेरेंट हैव दिस क्रोमोसोम एंड इन दिस क्रोमोसोम द टू जीन्स आर सिचुएटेड एट फार्दर डिस्टेंस. उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है. सो अब जो F1 जेनरेशन आएगी, इस F1 जेनरेशन के अंदर इन दोनों ट्रेट्स का इकट्ठे मिलना और इन दोनों ट्रेट्स का इकट्ठे इस पर्टिकुलर जेनरेशन में इनहेरिट होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी. क्यों? बिकॉज ऑफ द मोर डिस्टेंस बिटवीन देम. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट इफ देयर इज वेरी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स सिचुएटेड, देन देयर इज लेसर प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज टू पर्टिकुलर जीन्स टू बी एसोसिएटेड टुगेदर, और इन जेनेटिक लैंग्वेज दे हैव लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग लिंक्ड टुगेदर. एंड इन द सेकेंड केस, if the distance between the two genes that we are taking into consideration is very less, so the probability of these two genes getting inherited together to the next generation is high, or we can say that these genes have a better or a more probability of being linked together. जो distance है और जो linkage है वो inversely proportional होती है. You have to remember this. इस basis पे बहुत बार questions आए हैं और इसी concept को use करके हम आगे की चीज़ों को समझेंगे. So you have to understand about this. That is, the linkage and the distance are inversely proportional to each other. More is the distance, less is the probability of those two particular genes being linked together, and less is the distance, more is the probability of those two genes being inherited together or being linked together. This was about it. So as you can see in the figure, we have this chromosome. So we have gene 1 and gene 2. Ye dono genes, because in dono ke beech में डिस्टेंस बहुत ही कम है, दे आर ऑलमोस्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, सो इनको हम लिंक्ड बोलेंगे. सेकेंड इज, अगर दो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो फॉर श्योर दे वुड बी द नॉट लिंक्ड वन. एंड ऑल्सो, अगर जीन 1 और जीन 2 सेम क्रोमोसोम पे होने के बाद भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, इन दैट केस ऑल्सो दे आर नॉट लिंक्ड टुगेदर. सो
Now what we have to understand about one more thing, that is the linkage group. So what is a linkage group now? So a linkage group is a linearly arranged group of the linked genes which are normally inherited together except for the crossing over. So जैसा भी हमने discuss किया, वो दो genes का group जिनकी साथ में inherit होने की probability ज़्यादा होती है, उस particular group को, उस pair को हम linkage group बोलते हैं. A linkage group in genetics of all the genes on a single chromosome, they are inherited as a group. That is, during the cell division, they act and move as a unit rather than independently. Because in dono genes ka distance bahut kam hota hai, hence इन दोनों को या फिर ये दोनों ऑलमोस्ट एक यूनिट की तरह बिहेव करेंगे और जहां पर भी ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे, इनहेरिट होंगे, वो एक साथ ही मूव करेंगे. दे वुड बी टुगेदर एंड दे वुड बी एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट रादर दैन बींग एक्टिंग एज टू इंडिविजुअल और बींग द टू इंडिपेंडेंट जीन्स. सो दिस वॉज अबाउट द लिंकेज ग्रुप. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मेजर पॉइंट, दैट इज द लिंकेज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. बट इन दिस ऑल्सो देर इज वन स्मॉल एंड बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. सो कंसिडर वी हैव दिस जीन ए and this as gene B. I am depicting these genes as the blocks. So now because let's consider ke in dono genes ke beech mein zero distance hai. So agar gene A aur gene B ke andar zero distance hai, that is there is zero distance present between the two genes, or we can say they have zero m mu. So what is m mu? M mu is actually the distance unit. So it is written as 0 mu. So what is mu? Mu stands for the map unit, and in scientific term we would call it as centi morgan. You have to remember about this unit. Questions is area se puche gaye hain. So centi morgan ko hum small c or capital m se abbreviate karte hain, aur map unit ko m mu se abbreviate karte hain. So agar hame do genes ke beech ke distance ko hame unit wise likhna ho, so we would write it as 0 m mu as in this case. So in the first case we have the zero distance between the two genes. So is case ke andar hum kya bolenge ki yahan par jo genes hain wo completely linked hain. Why they are completely linked? Because in dono ke andar jo difference hai distance ka, that is zero, so they are completely linked together. So this is about the first thing. In the second case, now let's consider that this is the gene A and this is the gene B. और अब इन दोनों genes के बीच में जो distance है वो 10 map units है. Let's consider 10 map units हैं. So because distance 10 map units हैं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये 10% recombinant होगा. और in other words, इसके अंदर जो next generation आएगी वहाँ पर 90% जो है वो parent के genes होंगे और 10% recombinants होंगे. Why? Because इन दोनों के बीच में distance 10 map units है. So there are 10% probability के ये दोनों अलग अलग तरीके से inherit होंगे, इसीलिए 10% recombinants या 10% different varieties हमारी next generation में मिल सकती है. This was about the second case. Now let's consider the third case. Now let's consider कि इन दोनों genes के बीच में, that is the gene A and the gene B, इनके बीच में जो distance है वो 50 है. So that is, it is 50 map units. So now because it is 50 map units, अब हम बोलेंगे कि जो हमारी next generation आएगी उसके अंदर 50% parents होंगे, मतलब 50% parents के characters होंगे, and the other 50% would be of the recombinant. Why recombinant? Because the distance between the two genes that we are taking into consideration, they have the maximum distance between them as 50 map units. इसीलिए we would be having 50% of the parents, or the 50% of the parent type, and the other 50 would be of the recombinant type. This was the third case. अब
फोर्थ केस के अंदर व्हाट हैपेंस इज नाउ लेट्स कंसिडर जो जीन ए है और जो जीन बी है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 70 मैप यूनिट्स है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो मेक श्योर यू पे अटेंशन टू दिस. सो अब हमारे जीन्स के बीच का डिस्टेंस 70 मैप यूनिट्स है. नाउ देयर इज अ ट्विस्ट. अब इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पर 70% रिकॉम्बिनेंट और 30% पेरेंट्स होंगे, दिस इज नॉट द केस. ऐसा नहीं होगा. व्हाट हैपेंस इज बी इट एनी डिस्टेंस मोर देन 50% और मोर देन 50 मैप यूनिट्स, हमेशा जो मैक्सिमम एक्सचेंज कैपेसिटी होती है बिटवीन एनी टू जीन्स या दो क्रोमोसोम की जो मैक्सिमम एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो 50% ही होती है. उसके बाद दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, चाहे 100 हो, डजंट मैटर. मोर देन 50 के बाद हम 50% पेरेंट ही बनेगा और 50% रिकॉम्बिनेंट ही बनेगा. इट कैन नॉट बी द केस कि 70% रिकॉम्बिनेंट बने और 30% पेरेंट बने. दिस कैन नेवर हैपन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. दैट इज जो मैक्सिमम एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो 50% है. ऑन दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ मेनी टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी नाइसली. आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड कि अगर डिस्टेंस जीरो होगा तो वो कम्प्लीटली लिंक्ड कहलाएंगे. If the distance is 10 map units, then there would be 10% recombination, or we can say जो next generation होगी उसमें 90% parents होंगे या 90% parents का type होगा और 10% new type form होगा, और the 10% would be the recombinant one. Then we have the distance between the two of the genes is 50 map units. So because it is 50, so parents would be of 50% and the other 50 of the recombinant type. Now the last case in which the distance, if it is more than 50, now it could be 60, 70, 80 or whatsoever up till 100, the maximum exchange frequency would remain only 50%. Hence, even the distance between the gene A and gene B is 70 map units, still the parents would be 50% and the recombinant that would be formed will be of 50%. So this was an important thing to remember about this. So this is about it. Now let's understand about the various types of linkages. That is, we would be understanding ki kitne types ki linkage hoti hai. So majorly, we have three types of linkage. The first one is the complete. The second one is the incomplete linkage and the third one is in which there is no linkage present. So, first case is about the complete linkage. So, in the complete linkage, the genes located on the same chromosome, they do not separate and they are inherited together over the generations due to the absence of the crossing over. Crossing over ke absent hone ki wajah se, ye har generation ke andar same tarike se inherit honge. Complete linkage allows the combination of the parental traits to be inherited as such. That is, agar parent 1 aur parent 2 ke अंदर कुछ जीन्स हैं जो कंप्लीटली लिंक्ड हैं एक साथ, सो जो नेक्स्ट जेनरेशन आएगी इस जेनरेशन के अंदर वो ट्रेट्स एज इट इज शो होंगे, और ये ट्रेट्स हर जेनरेशन में आगे जितनी भी जेनरेशंस प्रोड्यूस होंगी हर जेनरेशन में वो साथ में ही इनहेरिट होंगे. इट इज़ रेयर दैट हैव बीन रिपोर्टेड इन द मेल ड्रोसोफिला एंड सम ऑफ द हेट्रोगेमेटिक ऑर्गेनिज्म. कंप्लीट लिंकेज थोड़ी रेयर कंडीशन होती है एंड इट हैव बीन रिपोर्टेड इन द मेल ड्रोसोफिला एंड ऑल्सो इन सम हेट्रोगेमेटिक ऑर्गेनिजम्स. द सेकेंड केस इज अबाउट द इनकम्प्लीट लिंकेज. सो इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज द जीन्स आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोजोम्स दैट हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, हैंस produce the recombinant progenies beside the parental type. So incomplete linkage ke andar there are two chances. That is, either 0 to 49% probability hogi yahan par ki hamara jo hai wo recombinant ban sakta hai, aur 51 se leke 99% recombination jo
51 से 99% पेरेंटल की बनने की प्रोबेबिलिटी होगी। दैट इज इसके अंदर बिकॉज ये इनकम्प्लीट लिंकेज है, कभी भी 100% प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की नहीं आएगी। सो इवन इफ वी कैलकुलेट, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 99% ही रहेगी इनकम्प्लीट के केस में। The number of the recombinant individuals is usually less than the number expected in the independent assortment. What is independent assortment? हमने ये laws of Mendelian principles में cover कर लिया है. I hope this topic is clear to you. If not, I'll put the links of the same in the description box so that you get those topics also cleared. So there are three types of linkages. First one is the complete, the second one is the incomplete, and the third one in which there is no linkage present. So in case of the complete linkage, यहाँ पर जो next generation होगी उसके अंदर 100% parental type produce होगा और 0% recombinant produce होगा. Why? क्योंकि जो genes हैं वो बहुत closely related हैं. Second one is the case in which there is incomplete linkage. So यहाँ पर दो cases हैं. First case के अंदर हमारा 51 से 99% प्रोबेबिलिटी है रे पेरेंट्स के फॉर्म होने की और या फिर पेरेंटल जेनरेशन के जैसे सेम ट्रेट्स की, और 0 से 49% प्रोबेबिलिटी है हमारे रिकॉम्बिनेंट टाइप की. सो इनकम्प्लीट लिंकेज की मैक्सिमम जो रेंज होती है वो 0 से 99% होगी. इन केस ऑफ द नो लिंकेज, जहाँ पर कोई लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, सो इन दिस केस 50% वुड बी पेरेंट एंड द अदर 50% वुड बी रिकॉम्बिनेंट बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर. दैट इज कंप्लीट 100% में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट्स का. और जो लिंकेज होती है ये हमारे मियोसिस के बेसिस पर होती है. दैट इज नाउ व्हाट इज मियोसिस. सो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन जो गेमीट्स के फॉर्मेशन में एक्चुअल में रोल प्ले करता है. व्हाट इट इज ऑल अबाउट, आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो वेरी सून रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो वेट फॉर दैट वीडियो. बट फॉर दिस वीडियो जस्ट अंडरस्टैंड कि मियोसिस का मतलब होता है व्हेन देयर इज reductional division in the cells as a result of which the gametes are formed. We'll be understanding about this in complete detail very soon. So this was about the linkage. Now we have to understand about the 2-point cross and the 3-point cross. This topic seems very difficult to many students, but I'll try to make it as simple as possible. So let's understand about the 2-point cross first. So, a 2-point cross is the one that is done to determine the recombinant frequency between two linked genes. That is, जो 2-point cross होता है, इसको हम मेनली यूज़ करते हैं in order to understand about the recombinant or in order to determine the recombinant frequency of two of the linked genes. The classical Mendelian dihybrid cross ratio is 1:1:1:1, which shows that the genes are not linked and they are located on the different chromosome. This is something that we have already discussed about. So any deviation in this ratio shows that the genes are linked and they are located on the same chromosomes. The distance between them determines the recombinant frequency and the chances of the crossover during the meiotic divisions. 2-point cross test is done in order to determine the recombinant frequency of two linked genes. जो दो जीन्स लिंक्ड हैं टुगेदर उनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए वी सर्च आउट और वी डिटरमाइन द 2-point cross. इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गेमीट्स प्रोड्यूस. सो वी विल नाउ हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द 2-point cross इन वेरी डिटेल. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर 2-point cross अच्छे से समझ में आएगा तो 3-point cross बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा. सो मेक श्योर यू लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. सो लेट्स कंसिडर कि ये हमारा एक क्रोमोजोम है और ये हमारा दूसरा क्रोमोजोम है. सो इन दोनों क्रोमोजोम के ऊपर वी हैव द जीन्स प्रेजेंट. कंसिडर दीज आर द टू जीन्स, दैट इज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. ये डोमिनेंट फॉर्म्स हैं और इन्हीं के पैरेलल के अंदर, दैट इज दूसरे क्रोमोजोम के अंदर, हमारे पास उन्हीं के रिसेसिव फॉर्म्स प्रेजेंट है. अब वी हैव द फर्स्ट क्रोमोजोम, वी हैव द सेकेंड क्रोमोजोम एंड द पोजिशन ऑफ द जीन्स प्रेजेंट. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका क्रॉस करवाना है. सो नाउ देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ
two point cross because this cross is occurring between two of the points, that is point A and point B. इसीलिए इस क्रॉस को टू पॉइंट क्रॉस बोलते हैं, दैट इज हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे. In this area, the crossing would be done. So, as a result of this, what happens is, now we would be having the end result as, first case ke andar hamare paas ye product aayega aur second case mein hamare paas ye product aayega. Why? Because hamara cross ho gaya, that is capital A small b upar aur small a capital b niche. This would be the final result. Isko aur simplified tarike se samajhne ke liye, understand it this way, that is initially we have this chromosome and this chromosome. So yahan par a tha, yahan par b tha, yahan par small a aur yahan par small b. Now what happens is, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्रॉसिंग करवाई, जिसकी वजह से ये हमारा ए पोर्शन है जो हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, और इसी के पैरेलल में बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर हमारे पास ये वाला पोर्शन आएगा, दैट इज स्मॉल बी का. दिस अबाउट द फर्स्ट रिजल्ट जो हमें मिलेगा. सेकेंड रिजल्ट के अंदर हमारे पास स्मॉल ए होगा नीचे वाले क्रोमोसोम का पार्ट, और इन एडिशन हमारे पास ऊपर वाले क्रोमोसोम का ये पोर्शन होगा, दैट इज़ यहाँ पर हमारे पास कैपिटल बी आएगा. इसीलिए हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी आएगा. दिस इज़ द टू पॉइंट क्रॉस. दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, इसको टू पॉइंट क्रॉस हमने बोला, रीज़न बीइंग बिकॉज ये दो पॉइंट्स के बीच में है, और पॉइंट्स हेयर रिप्रेजेंट्स टू ऑफ द जीन्स. सो बिकॉज इट इज़ अकरिंग बिटवीन टू जीन्स, हैंस इट इज़ टू पॉइंट क्रॉस. सो दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमारा क्रॉस हुआ तो हमने सिंप्लीफाइड तरीके से उसको टू पॉइंट क्रॉस बोल दिया. लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय अ हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल. सो नाउ लेट्स कंसिडर, हमारे पास ये कैपिटल सी है और ये कैपिटल डी है, ये हमारा फर्स्ट क्रोमोजोम है. अब दूसरे क्रोमोजोम के लिए लेट्स चेंज द कलर. सो दूसरे क्रोमोजोम पे लेट्स कंसिडर, दिस इज स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ये हमारा दूसरा क्रोमोजोम है. और अब इन दोनों के बीच में हमारी क्रॉसिंग ओवर होती है, और वी कैन से इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ. सो एज अ रिजल्ट ऑफ द सेम व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास पहले वाले केस में कैपिटल सी होगा, और इन एडिशन टू दैट वी वुड बी हैविंग द अदर फॉर्म, दैट इज़ द स्मॉल डी विद दिस. वाई? बिकॉज कैपिटल सी के साथ जब क्रॉसिंग हुई तो हमारा ये वाला पोर्शन एक साथ आएगा, क्योंकि ये इंटरचेंज हो जाएगा, इट वुड बी कन्वर्टेड इन टू द अदर फॉर्म. सेकेंड केस में, दैट इज़ द सेकेंड क्रोमोजोम के अंदर, अगेन पहले हमारे पास वी वुड बी हैविंग द स्मॉल सी बीइंग प्रेजेंट, दैट इज पहले हमारे पास स्मॉल सी प्रेजेंट होगा, जो हमारा ये वाला फॉर्म था, दैट इज स्मॉल सी. और इन एडिशन टू दैट वी वुड बी हैविंग द कैपिटल डी बीइंग प्रेजेंट, दैट इज दिस फॉर्म. सो वी वुड बी हैविंग कैपिटल डी. इसके रिजल्ट में जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट वुड बी कैपिटल सी स्मॉल डी एंड स्मॉल सी कैपिटल डी एज आवर टू रिजल्टेंट. सो दिस वॉज अबाउट द टू पॉइंट क्रॉस. आई होप द टू पॉइंट क्रॉस इज क्लियर टू यू. अब हम इसी टू पॉइंट क्रॉस के एप्लीकेशन को थ्री पॉइंट क्रॉस में करेंगे, और हम वहाँ पर सिंगल क्रॉस ओवर और डबल क्रॉस ओवर्स के बारे में समझेंगे. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है. लेट्स मूव ऑन टू द थ्री पॉइंट क्रॉस नाउ. सो इन द थ्री पॉइंट क्रॉस व्हाट हैपेंस इज, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द लोसाई ऑफ द थ्री जीन्स इन अ ऑर्गेनिजम्स जीनोम. दैट इज़ थ्री पॉइंट क्रॉस के अंदर हम जो थ्री जीन्स हैं उनकी लोसाई को डिटरमाइन करते हैं. नाउ व्हाट इज़ अ लोसाई? लोसाई मीन्स, जिसका सिंगुलर फॉर्म लोकस होता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. लोकस इज़ एक्चुअली द पोजिशन जो जहाँ पर हमारा जीन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ लोकस. आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस टॉपिक एंड ऑल द अदर बेसिक टर्म्स जो हमारे जेनेटिक्स यूनिट में यूज़ होते हैं. इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ वॉच दैट, ताकि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएँ.
थ्री पॉइंट क्रॉस के अंदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द जीन एंड द जीन मैपिंग. सो टू पॉइंट क्रॉस को हमें सिंप्लीफाइड वर्जन में समझना था, लेकिन थ्री पॉइंट क्रॉस का जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है दैट इट इज़ यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग और फॉर फाइंडिंग आउट द ऑर्डर ऑफ द जीन्स एंड द जीन मैपिंग. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द थ्री पॉइंट क्रॉस. नाउ टू पॉइंट क्रॉस का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है थ्री पॉइंट क्रॉस, बिकॉज टू पॉइंट क्रॉस में इट वॉज बिटवीन टू ऑफ द पॉइंट्स, दैट इज जो हमने कैपिटल ए कैपिटल बी कंसिडरेशन में लिया था. अब यहाँ पर हम बिकॉज ये थ्री पॉइंट क्रॉस है, यहाँ पर हम तीन पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लेंगे. दैट इज नाउ वी वुड कंसिडर कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्रोमोजोम एंड दिस इज़ द सेकेंड क्रोमोजोम. फर्स्ट क्रोमोजोम के पास हमारे पास सारे डोमिनेंट फॉर्म्स थे और सेकेंड के अंदर हमारे पास उन्हीं सब के रिसेसिव फॉर्म्स होंगे, दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. सो दिस इज़ अबाउट कि अब यहाँ पर क्रॉसिंग होगी. अब बिकॉज ये तीन पॉइंट्स के बीच में है, दैट इज यहाँ और यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है, इसीलिए ये थ्री पॉइंट क्रॉस है. अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पर भी हम इंडिविजुअली टू पॉइंट क्रॉस ही करेंगे, बट बिकॉज हम साइमल्टेनियसली तीन जीन्स के बीच में इसकी क्रॉसिंग को समझ रहे हैं, इसीलिए ये थ्री पॉइंट क्रॉस कहलाएगा. फर्स्ट केस के अंदर व्हाट हैपेंस इज लेट्स कंसिडर हमने इस पॉइंट के ऊपर क्रॉसिंग कराई. सो बिकॉज यहाँ पर पहला क्रॉसिंग हो रहा है, इसीलिए इट वुड बी कॉल्ड सिंगल क्रॉस ओवर. ये फर्स्ट लोकेशन है और इसमें हमने क्रॉस ओवर कराया, तो इसीलिए ये सिंगल क्रॉस ओवर वन कहलाएगा. इन द सेम मैनर अगर हम नेक्स्ट एरिया में दैट इज़ बी और सी के एरिया में क्रॉसिंग कराएंगे, तो ये सिंगल क्रॉस ओवर सेकेंड कहलाएगा. यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दीज टर्म्स बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और थर्ड केस के अंदर अगर हम दोनों क्रॉसिंग दैट इज सिंगल क्रॉस ओवर और डबल क्रॉस ओवर को एक साथ कराएंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम डबल क्रॉस ओवर बोलेंगे. डबल क्रॉस ओवर क्यों? बिकॉज वहाँ पर दो क्रॉसिंग्स हुई हैं, इसीलिए दैट इज डबल क्रॉस ओवर. यहाँ पर फर्स्ट केस में हमारे पास सिंगल क्रॉसिंग थी, तो हमने सिंगल क्रॉस ओवर वन बोल दिया और सेकेंड वाले को सिंगल क्रॉस ओवर टू बोल दिया. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कि सिंगल क्रॉस ओवर वन, सिंगल क्रॉस ओवर टू और डबल क्रॉस ओवर के रिजल्ट क्या होते हैं. सो लेट मी फर्स्ट हाईलाइट इन ऑल ऑफ द थ्री केसेस ताकि हम तीनों को साइमल्टेनियसली समझ पाएँ. सो सेकेंड केस में भी दिस इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड इन द लोअर केस स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. इन द थर्ड केस इन द सेम मैनर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. फर्स्ट केस के अंदर बिकॉज हमें सिर्फ फर्स्ट क्रॉस ओवर शो करना है, लेट्स जस्ट रिमूव ऑल दिस. दिस इज द केस ऑफ द सिंगल क्रॉस ओवर, उसका क्या रिजल्ट होगा विल जस्ट अंडरस्टैंड. इन द सेकेंड केस हम इस वाले एरिया में क्रॉसिंग करवाएंगे, सो ये जो इसका भी रिजल्ट आएगा वो सिंगल क्रॉस ओवर सेकेंड कहलाएगा. और जो थर्ड कंडीशन होगी जहाँ पर हम साइमल्टेनियसली इन दोनों में क्रॉसिंग कराएंगे, तो ये डबल क्रॉस ओवर का प्रोडक्ट होगा. पहला वाला सिंगल क्रॉस ओवर वन होगा. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट देयर रिजल्ट्स. फर्स्ट केस के अंदर वी हैव द सिंगल क्रॉस ओवर वन. सो सिंगल क्रॉस ओवर वन के लिए ए एज इट इज़ रहेगा, उसके एडिशन में बिकॉज इस पॉइंट पे क्रॉसिंग हुई है तो ए के बाद बी और सी आ जाएंगे. दैट इज वी वुड बी हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. पहला कैपिटल ए होगा और इस एरिया में क्रॉसिंग हुई है तो बाकी वाले नीचे वाले एरिया के आके ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ पोजीशन चेंज हो जाएगा.
इन एडिशन जो सेकंड क्रोमोसोम होगा उस पर पहला सेम हमारा स्मॉल ए रहेगा, और बिकॉज क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई है सो इन एडिशन वी वुड बी हैविंग कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, दैट इज स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी और कैपिटल सी आएंगे. ये हमारा फर्स्ट क्रॉस ओवर है. लेट्स जस्ट हाईलाइट दिस विद अनदर कलर. सो इन द फर्स्ट केस हमारे पास कैपिटल ए आया और उसके एडिशन में बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इस एरिया में हुई स्मॉल बी और स्मॉल सी आया. ये हमारा पहला रिजल्ट था. इन एडिशन स्मॉल ए के बाद इस एरिया में क्रॉसिंग होने के साथ हमारे पास कैपिटल बी और कैपिटल सी आया. सो दिस इज़ द सेकेंड रिजल्ट. ये हमारे फर्स्ट क्रॉस ओवर का रिजल्ट है. सो दिस इज़ द फर्स्ट केस. अब सेकेंड केस के अंदर व्हाट हैपेंस इज कि हमारा सेकेंड क्रॉस ओवर होगा, दैट इस एरिया में क्रॉसिंग होगी. दिस इज द केस वन. ये हमारा केस टू है. केस टू के अंदर हमारी क्रॉसिंग ओवर इस एरिया में हुई है, इसीलिए हमारा कैपिटल ए कैपिटल बी सेम रहेगा और इन एडिशन हमारे पास स्मॉल सी आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एरियाज क्रॉसिंग ओवर. सो वी वुड बी हैविंग कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी. इन एडिशन सेकेंड क्रोमोसोम पे वी वुड बी हैविंग स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी. सो सेकेंड जो कॉम्बिनेशन होगा वो स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी होगा. ये हमारा सेकेंड क्रॉस ओवर का रिजल्ट होगा. थर्ड केस के अंदर बिकॉज हमारे दोनों एरिया में क्रॉसिंग ओवर हुई है, इसीलिए व्हाट हैपेंस इज हमारी डबल क्रॉसिंग ओवर शो होगी और रिजल्ट जो होगा वो ऐसा होगा. वी वुड बी हैविंग कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी. सो रिजल्ट होगा कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी. इन एडिशन द सेकेंड वन वुड बी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी. सो वी वुड बी हैविंग स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी. सो ये हमारा डबल क्रॉस ओवर का फाइनल रिजल्ट होगा. वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी वाली है. इधर इट इज़ फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर, सेकेंड और द डबल वन. अगर फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर है तो फर्स्ट जीन के बाद चेंज आएगा, अगर सेकेंड क्रॉसिंग ओवर है तो सेकेंड जीन के बाद चेंज आएगा, और अगर डबल क्रॉसिंग ओवर है तो मिडल वाले जीन में चेंज आएगा. दिस इज़ द ट्रिक यू कुड रिमेंबर. इन अदर वर्ड्स वेरी सिंपली अगर हम इसको अब बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड इट, लेट्स जस्ट मेक इट वेरी वेरी सिंपल. सो फर्स्ट केस के अंदर वी हैव कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी जिसको हमने क्रॉस किया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से. सिंगल क्रॉसओवर के केस के अंदर वी वुड बी हैविंग कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और सेकेंड क्रोमोजोम पे वी वुड बी हैविंग स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी. ये हमारा सिंगल क्रॉसओवर वन हुआ. सेकेंड केस में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्रोमोजोम वन पे, क्रोमोजोम टू पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी सेकेंड एरिया पे हमारी क्रॉसिंग ओवर होगी, तो हमारा रिजल्ट होगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी सेकेंड क्रोमोजोम के वाला, और इन एडिशन वी वुड बी हैविंग स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी. सो ये सेकेंड क्रॉस ओवर होगा. थर्ड केस के अंदर बिकॉज हमारा डबल क्रॉस ओवर है, सो व्हाट हैपेंस इज सिर्फ और सिर्फ मिडल वाला जीन एक्सचेंज होगा और बाकी सेम रहेंगे. दैट इज वी वुड बी हैविंग कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, एंड इन एडिशन वी वुड बी हैविंग स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी. ये हमारा डबल क्रॉस ओवर होगा. सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस. आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज अगर फर्स्ट क्रॉसिंग है तो फर्स्ट जीन के बाद चेंज आ जाएगा, अगर सेकेंड क्रॉसिंग है तो दो जीन्स के बाद चेंज आएगा, और अगर थर्ड क्रॉसिंग है तो मिडल वाला जीन वुड बी एक्सचेंज. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन द कंप्लीट थ्री पॉइंट क्रॉस. सो दिस वॉज अबाउट द टू पॉइंट क्रॉस एंड द थ्री पॉइंट क्रॉस इन कंप्लीट डिटेल. आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. इवन इफ नाउ यू हैव एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. I'll try to clarify that doubt also. So,
इन सिंपल मैनर इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर फिगर जो अभी हमने डिस्कस किया, ये उसी का समराइज फॉर्म है, पेरेंटल एंड द रिकॉम्बिनेंट गेमीट्स डिराइव फ्रॉम अ थ्री पॉइंट क्रॉस. सो ये अभी हमने डिस्कस किया, पहले के अंदर कोई क्रॉसिंग नहीं थी इसीलिए पेरेंटल गेमीट्स आए, फर्स्ट क्रॉस ओवर हुआ तो हमारा फर्स्ट एरिया, जब फर्स्ट क्रॉसओवर हुआ तो हमारा सिर्फ फर्स्ट जीन के बाद चेंजेस आए, तो ये सिंगल क्रॉसओवर गैमीट्स होंगे. सेकंड वाले के अंदर बिकॉज हमारे सेकंड पॉइंट पे है तो सेकंड पॉइंट के बाद हमारे चेंजेस आ गए, ये भी सिंगल क्रॉसओवर गैमीट है, बस ये सिंगल क्रॉसओवर सेकंड है और ये सिंगल क्रॉसओवर वन है. यहाँ पर बिकॉज हमारे दो क्रॉसओवर्स इकट्ठे हुए हैं इसीलिए ये डबल क्रॉसओवर है और हमारा मिडिल वाले जीन का पोजीशन चेंज हो जाता है. दिस वाज अबाउट द सिंगल क्रॉसओवर एंड द डबल क्रॉसओवर एंड द कंप्लीट थ्री पॉइंट क्रॉस इन डिटेल. सो नाउ देयर इज जस्ट वन सिंगल पॉइंट लेफ्ट अबाउट द मैप डिस्टेंस. सो व्हाट इज द मैप डिस्टेंस? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ईच पेयर ऑफ जीन्स एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय एस्टिमेटिंग द एवरेज नंबर ऑफ क्रॉस ओवर्स. अगर हमें किसी दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो वो मैप डिस्टेंस कहलाएगा, और इसको निकालने के लिए इफ वी हैव टू कैलकुलेट द मैप डिस्टेंस इट इज ऑब्टेन्ड बाय एस्टिमेटिंग द एवरेज नंबर ऑफ क्रॉस ओवर्स. वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द recombination frequency and how to solve the numericals related to the two point and the three point cross in the next further lecture. Why? Because in this lecture I just wanted to keep the theory cleared, and in the next lecture we would be applying this theory to solve the question so that wo zyada better tarike se aapko clear ho jaye. So this was about this particular topic, and if you like this video please do like, share it with your friends and please subscribe to my channel. I'll be coming up very soon with more informative videos as well. And also if you have not joined me on the Telegram channel, I would highly recommend you to join me on Telegram channel for the latest updates of all the videos that I post on YouTube, and in addition we are also having daily practice over there, so make sure you join over there. You just have to search Botany Insider and you would be able to search the channel and join. So thank you so much for watching and I'll see you soon. Bye.